नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ फूलपुर पवई से सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के बेटे भाजपा के पूर्व विधायक अरुण कांत यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा के बाहुबली पूर्व विधायक अरुण कांत यादव के घर सहागंज पुलिस ने लूट के मामले में धारा 82 के तहत नोटिस लगाई है। CRPC की धारा 82 के मुताबिक वह व्यक्ति जो किसी अपराध या किसी कर्ज की वजह से बच निकले के मकसद से कहीं फरार हो गया हो या भाग गया हो तो उसे अदालत द्वारा उसके फरार हो जाने की घोषणा किया जाता है। भाजपा के बाहुबली पूर्व विधायक अरुण कांत यादव के खिलाफ 2009 में सहागंज से जबरदस्ती एक पिकअप उठा लेने का आरोप लगा था। पिकअप बाद में भाजपा विधायक के घर के बाहर से बरामद की गई थी। उस वक्त के मामले में सहागंज थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 12 मई 2022 को बाहुबली पूर्व विधायक अरुण कांत यादव के घर पहुंचकर नोटिस लगा दिया है। इससे पूर्व ही इस मामले में समन वारंट जारी हुआ था। बिना गिरफ्तारी के ही सहागंज थाने की पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी, लेकिन पूर्व विधायक अरुण कांत यादव ना तो न्यायालय में पेश हो रहे थे और ना ही पेशी पर जा रहे थे, ना ही जमानत करा रहे थे। बाहुबली पूर्व विधायक अरुण कांत यादव के घर धारा 82 की नोटिस लगाने आए सहागंज थाने के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार का कहना है कि मामले की समीक्षा न्यायालय कर रहा है। आपको बता दें कि अरुण कांत यादव समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता, पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक रमाकांत यादव के बेटे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।